हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बैगन के भरता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये बैगन के सीजन में आप बनाइए, ठंडी का सीजन है, ताजी ताजी बैगन आ रही हैं। इसे आप कभी भी बनाइए, पूरी पराठे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम स्टीम दाल चावल से भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए हमने लिया है 2 बैगन। बैगन एकदम गोल मटोल होना चाहिए, इसे कहीं कहीं पे भंटा भी कहते हैं। और इसे हम घुमा घुमा के देख लेंगे, इसमें कोई भी दाग या कीड़ा उड़ा लगा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एकदम चिकना बैगन हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैगन में कट लगाएंगे। तो एक बैगन में दिखा रही हूँ, बीच से इसे ऐसे कट कर देंगे। इसका हम मुंह ऐसे खोल के देख लेंगे, कीड़े तो नहीं है। आप भी देख सकते हैं एकदम फ्रेश बैगन है। अब हम इस बैगन को थोड़ा सा ऑयल लेके और ऐसे लेप लगा देंगे चारों तरफ से। ये ऑयल से हम इसे ग्रीस करेंगे। और एक बैगन पहले हम आपको सेकना दिखाएंगे। अब हम इस बैगन के अंदर 2 मिर्च और 3 लहसुन की कली इसमें डालेंगे। मिर्च को हमने धो लिया है, कली को भी हमने छील के धो लिया है। अब हम इसके अंदर इसे भर देंगे। मिर्च और लहसुन जो इसके अंदर स्टीम से पकेगा, उसका स्वाद भरता में बहुत ही जबरदस्त आता है। ये एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो हमने दोनों मिर्च और लहसुन की कली को इसके अंदर ऐसे दबा दिया। अब चलिए हम सेकना बताते हैं। तो हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस के बर्नर को हम ऑन किए और हम बैगन को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। स्टार्टिंग में हम तेज फ्लेम पे इसे सेकेंगे, फिर हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। एक बात का ध्यान रहे, ये डंठल जो है इसे हमें नहीं तोड़ना है, क्योंकि बैगन को ऐसे फ्लिप करने में हमें आसानी होता है। तो ये डंठल वाला ही बैगन होना चाहिए और बैगन एकदम ताजी होनी चाहिए। तो आपने देख लिया, हमने तेज फ्लेम से बैगन को गर्म कर लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर ले रहे हैं और बैगन को ऐसे ही धीरे धीरे उलट पलट के 8 से 10 मिनट तक सेकेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे। बैगन को हमने फ्लिप किया, अब देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हमें उलट उलट के इसे सेकना है। कभी फ्लेम को हम तेज कर लेंगे, कभी स्लो कर लेंगे और ऐसे ही हम बैगन को भूनेंगे। बैगन रोस्ट करने में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी ये अंदर तक अच्छे से भूनता है और स्किन जो है अच्छे से छोड़ता है। पर इसका स्मोकिंग फ्लेवर भरता में बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं हमने बैगन को घुमा घुमा के चारों तरफ से सेक लिया है। इसकी ऊपर वाली जो स्किन है वो काली हो चुकी है और ये काफी सॉफ्ट भी हो चुका है। तो हम एक नाइफ के पिछले हिस्से से ऐसे दबा के सेक कर लेंगे। एकदम पक गया है अपना बैगन। अब हम बैगन को उलट उलट के सेक लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम गर्मा गर्म बैगन को ठंडे पानी में डालेंगे। तो हमने एक बॉल में पहले से पानी भर दिया है और ये डंठल पकड़ के हम बैगन को ऐसे पानी में डाल देंगे। इससे क्या होता है, अपना बैगन का स्किन जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो हम ये नाइफ के पिछले हिस्से से ऐसे ऐसे करके छिलके को हटा लेंगे, क्योंकि गर्म है बैगन, हाथ से भी निकाल सकते हैं, पर ठंडा होने के बाद क्या होता है, बैगन सिकुड़ जाता है, फिर ये छिलका निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम गर्मा गर्म बैगन को ही पानी में डाल देंगे और नाइफ के पिछले हिस्से से ऐसे छिलके को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
आप देख सकते हैं हमने बैगन के सभी छिलके अच्छे से हटा लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ले चलेंगे। बैगन को हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब हम नाइफ की मदद से इसका जो डंठल है उसको काट देंगे। ऐसे पक गया है, इसके लिए आसानी से कट जाएगा। हमने डंठल हटा लिया। अब हम इसी नाइफ से ही इसको ऐसे फैला लेंगे, क्योंकि गर्म है। आप देख सकते हैं अंदर तक अपनी बैगन कैसे पक चुकी है। हम चाकू से ही इसे ऐसे रफली चॉप कर देंगे। ये अच्छे से गलने के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसकी बीज कितनी बढ़िया से पकी है। इसमें हमने जो लहसुन मिर्च डाला था वो भी अच्छे से पक चुका है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम सेम प्रोसेस से दूसरा बैगन भी पका लेते हैं। हमने दूसरा बैगन भी ऐसे ही उलट पलट के भून लिया है। हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, नाइफ की पिछले वाले हिस्से से हम बैगन को ऐसे प्रेस करके चेक करेंगे। एकदम आराम से ये प्रेस हो रहा है, इसका मतलब अपना बैगन भून चुका है। और ऊपर वाला ये स्किन जो है आप देख सकते हैं कैसे काला पड़ गया है, यानी कि वो जल गया है। आसानी से वो निकल जाएगा। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ऐसे ठंडे पानी से धो के हम छिलका हटा देंगे। दोनों बैगन को रफली चॉप कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एकदम फ्रेश पक के तैयार हुआ है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज प्याज, क्योंकि हमने 2 ब्रिंजल का भरता बनाना है। तो 2 ओनियन को हमने रफली चॉप कर लिया है। इसे हम तेल में छोड़ देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज अपना हल्का सा भून चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि हमें इसमें लाल मिर्च नहीं डालना है, तो हम 2 मिर्च और बारीक काट के डाल देंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हम बारीक काट के डाल देंगे। 2 कली लहसुन हमने और लिया है उसे भी डाल देंगे और सबको प्याज के साथ हम भून लेंगे। प्याज मिर्च अदरक लहसुन सब भून चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज टमाटर को सॉफ्ट किया है और प्याज के साथ हम इसे भी गलने तक भून लेंगे। तीन से 4 मिनट लगता है टमाटर को गलने में। आप देख सकते हैं प्याज के साथ अपनी टमाटर भून चुकी है, यानी कि टमाटर बिल्कुल गल गया है। भरता में ये टमाटर का टेस्ट बहुत सुंदर आता है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपना बैगन, जिसे हमने रोस्ट करके छिलके हटा के रफली चॉप कर रखा है। इसे भी हम इसमें छोड़ देंगे और इसे हम एक स्पैटुला की मदद से अच्छे से चला के भूनेंगे। ऐसे हम इसे अच्छे से भूनेंगे। आग पे पकाया हुआ बैगन का पैसा जब फ्राई करते हैं तो फ्राई करते वक्त ही इतनी अच्छी खुशबू आती है, आप बनाएंगे तो महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने टमाटर के साथ बैगन को अच्छे से मैश लिया है और ये अच्छे से भून ही चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। हम यहाँ पे अंदाजे से नमक डाल देंगे। नमक को हम अच्छे से मिला के 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। अच्छे से हमने नमक डालने के बाद भरता को भून दिया है। आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा पानी जो है एकदम सूख चुका है। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसपे फ्रेश धनिया पत्ता, जिसे हमने धो के अच्छे से काट लिया है, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये अपना फाइनली बैगन का भरता बनकर तैयार हो गया। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो
तो ये गर्मा गर्म भरता अपनी तैयार हो गई। बैगन का भरता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। इसे आप लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। इसे रोटी, पूरी, चपाती के साथ खाया जाता है या दाल चावल के साथ भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखना मत भूलिए, जिससे हमें पता चल सके हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।